तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्त। भाई साहब तबाही, बिल्कुल तबाही। किसी भी ए रेटिंग मूवी को, ए रेटेड मूवी को भाई इतनी सॉलिड कलेक्शन नहीं करते देखा यार। पठान के रिकॉर्ड को बीट डाउन कर चुकी है मूवी, टाइगर थ्री के रिकॉर्ड को बीट डाउन कर चुकी है। जो फुल फैमिली कंटेंट था, जो फुल यूए रेटिंग सर्टिफिकेट के साथ इस मूवी ने थिएटर हाउस में राज किया था, इन सारी मूवीज को इस मूवी ने, एनिमल ने एडवांस बुकिंग में धज्जिया उड़ा के रख दी है। और जब ये शाम को प्रॉपर जब ऑफिशियल रिपोर्ट आएगी उसके बाद देखना, आज की जो डे वन की कलेक्शन ये होने वाली है वही 100 करोड़ बीट डाउन करेगी टाइगर थ्री के रिकॉर्ड को। तो ये इजी डे ओपनिंग का रिकॉर्ड बीट डाउन करनी करने वाली है। इसी के साथ पठान के रिकॉर्ड को भी बीट डाउन करेगी, जो इस साल की जाइंट मूवी, पहली मूवी है जिसने 1000 करोड़ ठोक के मारा, उसके डे वन के रिकॉर्ड को इजीली खत्म करने वाली। तो अभी सब बात करेंगे कि कितना क्या कलेक्शन, फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है या फाइनल एडवांस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, हिंदी तमिल तेलुगु डब्ड वर्जन सबसे कितना आया है, ओवरसीज से कितना है, नेशनल चेन से कितना कलेक्शन किया है, और आज डे वन में ये कितनी ओपनिंग करने वाली है, क्या रिकॉर्ड रहेगा, क्या नहीं रहेगा, कितने रिकॉर्ड टूटेगी, सभी चीज़ों पर क्लिक करके बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों शुरुआत बुक माई शो इंटरेस्ट रेट से करेंगे। 4,14,000 का बुक माई शो इंटरेस्ट रेट चल रहा है, जो बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। वही चीज़ मैंने पहले कही थी कि यार लियो मूवी का लगभग 1 मिलियन प्लस का बुक माई शो इंटरेस्ट रेट था, लेकिन वो मूवी उतनी ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाई। जवान का था आई थिंक 6.5 लाख या फिर 7 लाख के आसपास, लेकिन उस मूवी ने 1150 करोड़ ठोक के मारे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास बुक माई शो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है तो आप बहुत अच्छी कमाई करेंगे। हाँ, लियो ने डे वन पर बहुत अच्छी कमाई करी, 140 प्लस करोड़ गई है, लेकिन भाई एनिमल जिस हिसाब की बुक माई शो इंटरेस्ट रेट है 4,14,000, उसके हिसाब से भी ये पठान के रिकॉर्ड को बीट डाउन कर रही है। नेशनल चेन्स में भारी तबाही देखने को मिली है, लगभग तीनों चेन्स को मिलाकर, PVR, INX एंड सिनेपोलिस को मिलाकर लगभग 4,56,000 टिकट सोल्ड आउट करे हैं। भाई ऐसी तबाही, ये मूवी 5th नंबर पर आ चुकी है। पहले में बाहुबली 2 थी, देन जवान, देन पठान, देन KGF 2, और अब 5वें नंबर पर हमारी एनिमल आ चुकी है। ए रेटिंग मूवी है भाई, एडल्ट कंटेंट है जिसे फैमिली बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी, बावजूद इसके ये मूवी इतना ज़्यादा हाइप सेट करके बैठ गई है। पहले 5वें नंबर पर वॉर थी, अब वॉर को नीचे खिसका दिया है 5वें नंबर पर। अब हमारे नेशनल चेन्स में बुकिंग के मामले में मूवी आ चुकी है कौन सी, एनिमल। भाई सॉलिड तबाही देखने को मिल रही है। अभी हिंदी से कितना चल रहा है, हिंदी से फाइनल कलेक्शन इस मूवी ने करा है सिर्फ एडवांस से ही 29 करोड़ 26 लाख, जिसमें से टोटल टिकट इन्होंने बेचे हैं लगभग 8.5 लाख। तेलुगु डब्ड वर्जन से भाई तबाही देखने को मिल रही है, बहुत सॉलिड रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, लगभग 4,52,00,000 का कलेक्शन एडवांस से ही सिर्फ तेलुगु डब्ड वर्जन से किया है, एंड लगभग 2,51,000 के आसपास टिकट सिर्फ तेलुगु डब्ड वर्जन से करे हैं। तमिल डब्ड वर्जन से ऑलमोस्ट 17 लाख प्लस की बुकिंग करी है, 13,000 के आसपास टिकट बेचे हैं। कन्नड़ा में भी धमाल मचाया है, कन्नड़ा लैंग्वेज में ऑलमोस्ट 2,20,000 के आसपास इन्होंने बुकिंग ले ली है। मलयालम में बहुत स्लो है, स्टार्टिंग बहुत स्लो हुई थी और लगभग 8,000 से 9,000 की ही बुकिंग हुई है। IMAX का कुछ पता नहीं लग रहा है, IMAX का कल शोज ऊपर उठते देखे थे लेकिन अभी जीरो हो चुके हैं। तो टोटल टिकट कितने बेच दिए भाई, 1 मिलियन प्लस टिकट बेच दिए है ए रेटिंग मूवी। उसके बावजूद भी जवान, पठान, ऐसी लियो, इन सारी मूवीज़ के कंधे से कंधे मिलाकर चल रही जो UA सर्टिफिकेशन मूवी थी, जो फुल फैमिली कॉन्टेंट मूवी थी, बावजूद इसके एनिमल ने बहुत तबाही मचाई। भाई रणबीर कपूर को बहुत प्यार मिल रहा है, संदीप रेड्डी वांगा क्रिएशन को, इस डायरेक्शन को बहुत प्यार मिल रहा है, और आज ये मूवी रिलीज होगी उसके बाद जब पॉजिटिव रिव्यू आएंगे उसके बाद जो अलग तबाही देखने को मिलेगी वो जबरदस्त होने वाली, क्योंकि आज है शुक्रवार, कल है सैटरडे, और सैटरडे को जो हाई आने वाली है रेस्पॉन्स, उसके बाद जब संडे को और भी ज़्यादा भाई पूरा जवान का सिनेरियो देखने को मिलेगा। जो ओपनिंग फर्स्ट डे थोड़ी डाउन थी, देन सैटरडे को, देन चौथे दिन संडे को उस मूवी ने जो रिकॉर्ड क्रिएट करे थे तबाही, मतलब सिर्फ हिंदी से 71 करोड़ ठोक के मारे थे। तो भाई देखने को वैसा ही माहौल देखने को मिलने वाला है एनिमल में भी। तो टोटल मुद्दे की बात पर आओ कि भाई साहब एडवांस बुकिंग कलेक्शन से इस मूवी ने एडवांस से कितना कलेक्शन कर लिया, लगभग 34 करोड़। पठान का था 32 करोड़ के आसपास, टाइगर थ्री को तो कहीं पीछे छोड़ दिया जो लगभग 23 करोड़ में टिकी थी। 34 करोड़ सिर्फ एडवांस से ही,
भाई बहुत सॉलिड नंबर है। ए रेटिंग मूवी है, मैं फिर कह रहा हूँ, ए रेटिंग मूवी को इतना प्यार मिलते कभी देखा ही नहीं है भाई। लोगों का ट्रस्ट है ये कि संदीप रेड्डी वांगा क्रिएशन है, यस कुछ अच्छा मिलेगा, दमदार मिलेगा, रणवीर कपूर की एक्टिंग है और भाई फाड़ मिलने वाली है, पैसा वसूल मूवी होगी, लोगों का ट्रस्ट है और वो लोग जाएंगे देखने। जब आज उसके बाद रिव्यू आएंगे, इससे भी भयंकर कलेक्शन हमें कल सैटरडे को देखने को मिलेगी, देन परसों संडे को भी देखने को मिलेगी। तो 34 करोड़ सिर्फ एडवांस, ये फाइनल है और जबरदस्त है। उसके साथ ओवरसीज से कितना है भाई, वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना आया, लगभग लगभग 19 करोड़ सिर्फ ओवरसीज से टच करते नजर आ रही है। तो भाई साफ मुद्दे की बात पर आते हैं कि आज डे वन पर नेट इंडिया कलेक्शन कितना जाएगा, इजिली 50 करोड़ टच करेगी ऑल लैंग्वेज को मिलाकर, जिसमें सिर्फ हिंदी से ही लगभग 44 से 45 करोड़ ये मूवी टच करने वाली है, और ऑल लैंग्वेज सिर्फ तेलुगु डब्ड वर्जन से ही अजम्पशन 8 से 9 करोड़ का आता दिख रहा है। उसके बाद तमिल होगी, उसके बाद कन्नड़ा, मलयालम, इन सबसे भी लगभग 2 से 3 करोड़ तो आ ही जाएगा। तो नेट इंडिया मे बी 60 करोड़ टच कर जाए, बट अर्ली एस्टिमेट 50 करोड़ टच करेगी, इजिली टच करेगी। उसके बाद ओवरसीज से कितना आएगा, अभी 19 करोड़ टच कर चुका है, तो इजी 32 करोड़ या फिर हो सकता है 35 करोड़ भी टच कर जाए, 30 करोड़ मान के चलते हैं। तो भाई डे वन पर क्या जाने वाला है, आराम से 100 करोड़ टच कर रहा है आज डे वन पे, ये मूवी 100 करोड़ की कमाई करेगी सिर्फ पहले दिन में ओपनिंग ही। देन परसों संडे को तो और भी तबाही देखने को मिलेगी। तो भाई साहब यहाँ पर ये पठान के रिकॉर्ड को इजी ब्रेकडाउन करते नजर आ रही, जो लगभग वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी थी डे वन की, उसकी 106 करोड़ के आसपास, और टाइगर 3 की थी 94 करोड़। तो टाइगर 3 को तो ये अब भी कहीं पीछे करते नजर आ रही है। आपके हिसाब से क्या जाएगा कि 110 करोड़ टच कर सकती है, भाई मैं मान के चल रहा हूँ 106 करोड़, 107 करोड़, ईद और भी नीचे लेके चलते हैं, तो भाई साहब 100 करोड़ तो ये मूवी टच करनी ही करने वाली है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। उसके बाद जस्ट कुछ ही देर बाद हमें मूवी रिव्यू भी लाना है, तो आप कीप इन टच ब्रो, मिलते हैं अगली वीडियो में, जय।